नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोग का द ठाकुर फैमिली व्लॉग्स के एक नए व्लॉग में। और प्रचंड गर्मी की शुरुआत हो चुकी है, मतलब फील हो रहा है कि वो इतना ज्यादा गर्मी लग रहा है ना। सुबह होते होते ही हम लोग जो 9 बजे आराम से 9:30 बजे उठते थे, अभी 7 बजे नींद टूट जाती है, इतनी ज्यादा गर्मी हो जाती है। तो हम लोग का नॉर्मल रूटीन आज से शुरू हो रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय से हम लोग बहुत ट्रैवल कर रहे हैं और बहुत ज्यादा मिलना जुलना हो रहा था लोगों से, हम बाहर ही बाहर थे। लेकिन अब से हम फाइनली घर पर हैं, तो हम लोग बहुत ज्यादा मस्ती करने वाले हैं घर पर और बहुत सारे प्रोडक्टिव काम करने वाले हैं। ये क्या कर रहा है, मतलब कुछ तो बोल आगे। तो चलते हैं, अपना दिन का शुरुआत करते हैं। मैंने चाय बनाया मम्मी के लिए और दूध भी उबाल रहा मम्मी के लिए। तो देखिए, बाप रे, ब्लॉग बनाने के चक्कर में चाय काला हो गया। मम्मी ने 5 मिनट पहले बोला था चाय छान दो, मैंने बोला मम्मी बस फोन लेके आने दो, ब्लॉग बनाना है। अरे इसको तो ऑन ही नहीं किया मैंने। लोल, कल वृंदावन से श्याम किशोर प्रभु जी आए थे और वो हमारे लिए 2 प्रसाद के डब्बा लेके आए। ये वृंदावन का स्पेशल मिठाई और ये अंजीर के पेड़ है। और मैं जिस सेट ऑफ बुक्स की बात कर रही थी अपने फेसबुक लाइव में, वो फाइनली ये रहा। आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरा भगवद गीता जो है, जो 12 स्कंद में बटा हुआ है, वो सब किताब यहाँ पर है और हमारे पास अवेलेबल है। उसमें हमारे पास जो फर्स्ट वाला जो कैंटो है, वो एक इंग्लिश में भी किताब है, ताकि इंग्लिश में भी हम लोग पढ़ लें। बाकी सारे हिंदी में है और एक एक करके मैं पढ़ना शुरू करने वाली हूँ आप सभी लोगों के साथ। लेकिन शेयर करती रहूँगी कि मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये एक नई जर्नी होगी मेरे लिए। ठीक है ना? उठना उठना उठना। अरे सनी की कमर तो देखो। मम्मी ने सनी को उठाने के लिए एसी पंखा दोनों बंद कर दिया, लेकिन तब भी ऐसा आदमी उठ नहीं रहा है। ये घोड़ा तो है नहीं, पता नहीं किसको बेच के सो गया। तो फ्रेंड्स, मैं नहा के हो चुका हूँ तैयार और आज मम्मी ने काफी जल्दी उठाया था, तो आज फ्रेश फ्रेश सा लग रहा है। ठीक है, और आज देखिए खाने में क्या बन रहा है, बहुत टेस्टी और बहुत मजेदार चीज। ये देखिए, आज बन रहा है कटहल, जो की बना रही है हमारी मम्मी। ये कटहल एक ऐसा फल है, ऐसा सब्जी है, जिसको व्यंग के तौर पे भी कहा जाता है, कटहर कैप कटहर। समझ रहे हैं ना? तो कल एकादशी था और आज द्वादशी है, तो दीदी हमारे विग्रह को स्नान करवा रही हैं, क्योंकि इस बीच में हम बाहर ही थे ना, तो हम स्नान नहीं करवा पाए एकादशी के दिन। तो चलिए आज दीदी कर रही है। भगवान के आभूषण साफ करने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आई है, तो इसको साफ करते हैं अच्छे से। मुझे पहले ही मालूम था कि ये जो भगवान जी के बाल होते हैं, उसको इस तरीके से धो करके सुखाया जाता है। मैंने यूट्यूब पे देखा कि कैसे, क्योंकि ये बहुत गंदा लग रहा था, इसमें बहुत डस्ट था, तो मेरे को पता चला कि इसको नॉर्मली शैम्पू से धोते हैं और हेयर ड्रायर से सुखाते हैं। तो ये है कटहल के कोफ्ते, जो बन के रेडी है। और ये मम्मी मसाले में बाद में डालेगी, तो इससे पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा कोफ्ता ऐसे ही टेस्ट कर देते हैं। तो पापा को देके आती हूँ। ये क्या पापा है, ये क्या है, गीला तौलिया बेड पे? और ये मम्मी आपको सच्ची में इसीलिए डांटती है यार, आप समझते नहीं है बात। खाइए, तो मम्मी ने आपके लिए भिजवाया प्यार से। क्या बात है, इतना क्यों छोड़ दिया मम्मी? ये सनी इतना सारा। तो सुबह में सनी लेट तक सो रहा था, इसलिए मैंने उसे उठाने के लिए पंखा बंद किया था मम्मी के कहने पे। तो उसका बदला लेने के लिए उसने क्या किया है, मैं अभी तबला प्रैक्टिस कर रहा था यहाँ पे, तो पंखा बंद करके चला गया है। मैं उसको बोल रहा पंखा ऑन कर, तो बोल रहा है कि तूने पंखा बंद किया था जब मैं सो रहा था। मतलब लॉजिक देख रहे हो सनी का, लॉजिक। तो अभी आप सभी को मैंने एक बहुत ही रेयर सीन दिखाया, जो कि हजारों साल में एक ही बार देखने को मिलता है, मैथिली ठाकुर को काम करते हुए देखने का। तो थैंक यू बोल सकते हैं मेरे को। कैसा लगा था ये जोक? बोल रहा था तो मेरे बारे में बोल रहा था ना। छोड़ना कुछ नहीं। मम्मी पापा बोल रहे थे कि पिंपल का एक ये भी कारण है कि तुम पानी नहीं पीते हो। तो मैंने 2 दिन से पानी पीना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया, कि बहुत ज़्यादा पी रहा हूँ मैं पानी। ये दिक्कत एक ही होती है पानी पीने में, आप सभी को पता ही होगा, अब क्या बताएं। छोड़िए, चलते हैं पढ़ाई करने। बाय बाय। तेरे अंदर के जो पार्ट पुर्जे होंगे ना, वो भी खुश रहे होंगे। अरे वहाँ आज तो मेरे को पानी मिल गया, घने ना घेर के रहा है। अभी बज रहे हैं शाम के 7:15। हम लोग का, मतलब हम लोग का नहीं, मम्मी पापा का ऐसे बैठ करके गप्पे मारने और चाय पीने वाला समय। तो आज जो हमारे साथ चाय पर जुड़े हैं, वो है तरनजीत कौर जी और सुखपाल सिंह जी।
और इन्होंने बताया कि पिछले एक साल से मिलने के लिए लोग प्रयास में थे, लेकिन आज हम लोग फाइनली मिले हैं। इतना मजा आया मुझे आपसे मिल करके, बातचीत करके, और सब पापा अरेंज किए ये आज का मिलना जुलना जो भी, बहुत अच्छा लगा। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? ड्रीम्स कम्स ट्रू, बहुत डाउन टू अर्थ है फैमिली, बहुत डाउन टू अर्थ है, तो प्लीज इनको सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इनका चैनल, और प्लीज 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 इनके लिए प्रेयर कीजिए। थैंक यू। ये देखिए, ये बिना पेमेंट वाली तारीफ थी, मतलब इनकी जेन्युइन तारीफ थी। हमें मिले थे 100 रुपए। देखिए, तो बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। और आप लोग अपने बिजी स्केड्यूल से, क्योंकि सर का भी शिफ्ट होता है 7:30 बजे का, इनका काम शुरू हो जाता है, लेकिन ये लोग सब काम छोड़ करके आए हैं मिलने के लिए। आज की शिफ्ट हो गई वैसे भी। अरे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आज मेरा भाई इतना अपसेट क्यों लग रहा है? यार तो अपसेट लग रहा है यार, मेरे को तो लो फील करवा रहा है तू। देख, गर्मी बहुत ज्यादा है आज ना। मेरे को ना एक स्कूल का किस्सा याद आ गया, बड़ा ही अजीब अच्छा किस्सा है, तो मन किया कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए वो किस्सा। तो किस्सा यूं है कि हमारे क्लास में ना वो चल रहा था एग्जीबिशन टाइप का होता है ना, तो उसकी तैयारी चल रही थी। हम थे 5th क्लास में, तो काफी नए एडमिशन हुए थे, एक नया एडमिशन बच्चा मेरे साथ ही बैठता था, तो उसको काम मिला होता है एक असाइनमेंट का कि वो प्रोजेक्ट बनाना है और एग्जीबिशन में लगेगा। तो उसके लिए उसको अलाउड था कि फोन ला सकता है क्लास में अगर कुछ उसको देखना है। तो वो लाके कर रहा था, तो बाई चांस उसको फोन का पीछे का बैक कवर निकाल के बैटरी कुछ चेंज करना था उसको, सिम कार्ड विम कार्ड। तो मैंने देखा एक सिम स्लॉट है, दो सिम स्लॉट है, और मेरे पास तो मैंने उससे पहले फोन कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि पापा के पास ही होता था एक फोन घर में, तो उस टाइम तक फोन नहीं था इतना। और एक मेमोरी कार्ड का था, मेरे को पता नहीं था कि मेमोरी कार्ड है। मैंने बोला ओ भाई, 3-3 सिम वाले फोन लेके घूम रहा है भाई। बस इस बात में एक सारे बच्चे को बता दिया पूरे क्लास में, सब बच्चे मेरे पे हंस रहे थे भाई। मतलब हो जाता है यार कभी कभी, क्या कर सकते हैं। मुझे कभी नहीं बताया तूने, मैं 5th क्लास में था, मेरे को पता भी नहीं था इतना। हनी लेकिन तू आज, तेरे को क्या हुआ मेरे को ये बता दे, तू इतना जानबूझ के प्रटेंड कर रहा है कि मैं खुश हूं। गर्मी बहुत ज्यादा है, मेरे को बड़ा ही अजीब सा लग रहा है गर्मी में, क्या कर सकते हैं। अब छोड़िए, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और बस आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। और दीदी आप बात करिए। तो आज जो मैं लाइव गई थी फेसबुक पर, इतना ज्यादा मजा आया, क्योंकि मैं आज बहुत तामझाम करके लाइव गई थी, 12 मिनट लेट, 10:12 पर लाइव गई थी। और उसके बाद मैथिली एपिक जो है उस पर 1 घंटे का एक मास पारायण वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ, जो आप लोग अभी जा करके देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच आज के ब्लॉग देखने के लिए। कल का दिन और भी खास होगा, क्योंकि कल हम लोग बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। ये कल हम लोग अभी नहीं बताऊंगी, बाद में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय, टेक केयर।